गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। गुड इवनिंग। ठीक है, सो एक्सरसाइज नंबर 1.4, 1.4 इन द न्यू बुक। आपको स्क्रीन पे 1.5 दिख रहा है, बट इट इज एक्चुअली 1.4 इन द न्यू बुक। न्यू बुक में 1.4 है, जिसका पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ दिस नंबर्स बिटवीन रैशनल और इरैशनल। ये काम हम कर चुके हैं, अब बचे हुए क्वेश्चन करने हैं। रेडी? चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। बचे हुए क्वेश्चन के लिए जो हमने कुछ इसके ऑपरेशन सीखे थे, याद है आपको? वो ऑपरेशन हमको याद होने चाहिए, तभी हम बाकी क्वेश्चन में अच्छे से काम कर पाए। याद है? ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 का फर्स्ट पार्ट देखो, क्या लिखा हुआ है? 3 + √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 + √2। आप चेक करो, 1, 2, 3, 4, चारों ही अलग अलग हैं। तो जब चारों ही अलग अलग हो तो क्या करते हैं, 1 to 1 सबको सबसे मल्टीप्लाई, दैट्स इट, और कोई काम नहीं करता। ठीक है, अगर कुछ मैच हो जाए तो फिर आइडेंटिटी लगती है। ठीक है, मान लो दोनों फैक्टर्स मैच हो जाए तो a + b का होल स्क्वायर, मान लो a + b और a - b है तो a² - b² वाली आइडेंटिटी लगती है। तो अलग अलग जो हमने ऑपरेशन वाली आइडेंटिटी सीखी थी वो एप्लीकेबल हो जाएगी, पर यहाँ पे तो चारों ही अलग अलग है। चारों ही अलग अलग है तो सबसे पहला ऑपरेशन लिखा था आपने, आपको याद हो तो, √a √b √c √d। सबसे पहला पहला ऑपरेशन क्या लिखा था हमने? √a √b √c √d। उसमें हमने क्या कर दिया था, सबको सबसे 1 to 1 मल्टीप्लाई कर दिया था। कोई काम यहाँ पे आपको करना है, शुरू हो जाए। तो पहला क्वेश्चन नोट डाउन करो, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 3 + √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 + √2। हमको इसकी वैल्यू चाहिए, हमको इसकी वैल्यू चाहिए। देखिए भैया करो, हमको इसकी वैल्यू चाहिए। बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। अंडरस्टूड है इतना? मैं एक्स्ट्रा फैंस थोड़े से बंद करके आता हूँ, बच्चे का मैं ओके वो तो बैठे हैं, थोड़ी तो हवा आएगी, कोई बात नहीं, थोड़ी तो आ रही है ना, वहां से आवाज आ रही है। ओके चलो, लेट्स सी हाउ डू वी डू दिस। लेट्स सी, इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू, करना शुरू करें 1 to 1। ओके, अब सबका ध्यान यहाँ पे, मुस्कान, 3 × 2 क्या होता है? 6, 3 × 2 = 6। नाउ नेक्स्ट है 3 × √2, तो देखो जो बाहर है वो बाहर रहेगा, जो अंदर है वो अंदर जाएगा। तो 3 √ के बाहर है और 2 √ के अंदर है, तो 3 × √2 क्या हो जाएगा? 3 √2 हो जाएगा। समझ आया? 3 बाहर है ना, 3 के ऊपर रूट नहीं है, देखो मल्टीप्लाई होने के बाद भी 3 के ऊपर रूट नहीं है। 2 जो है रूट के अंदर है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद भी 2 जो होगा रूट के अंदर हो जाएगा। समझ गए? समझ गए? मैं अंदर काम है ना, समझ गए? कोई डाउट नहीं है? अच्छा, और देखो ये 3 भी प्लस का है और √2 भी प्लस का है, तो +(+) क्या होता है? प्लस ही होता है, साइन भी चेक करना पड़ेगा। तो 3 का काम तो हो गया, 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया। अब अगले को पकड़ो, यानी √3 को 2 से मल्टीप्लाई करो और √3 को √2 से मल्टीप्लाई करो। करें तो देखो रफली करके देख लिया करो, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 6 ये तू ऐसे कह रहा है, 2 × 3 = 6, ऐसे कह रहा है ना, 2 रूट के अंदर है क्या? तो फिर अंदर कैसे भेजा उसको तुमने, हिम्मत कैसे हुई? जो बाहर है वो बाहर रहेगा, जो अंदर है वो अंदर रहेगा। तो 2 बाहर रखो, 3 अंदर रखो, 2√3। समझ गए? जो बाहर है वो बाहर रहेगा, जो अंदर है वो अंदर रहेगा। तो 2 × 3, ये दोनों मल्टीप्लाई तब होते, अब अगली बार में होंगे, क्यों? जब दोनों रूट के अंदर हो। अगर दोनों रूट के अंदर हो तो अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है। जब एक बाहर हो और एक अंदर हो तो बाहर वाला बाहर बैठेगा, अंदर वाला अंदर बैठेगा। अभी समझ गए? सबको समझ में आ गई ये बात? लास्ट देखो क्या है, √3 × √2। अब देखो दोनों ही अंदर है,
ये भी अंदर है रूट के और ये भी अंदर है रूट के, तो अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब 3 2 6 कर सकते हैं, रूट के अंदर 3 2 6 कर सकते। बोलो समझ आया? बोलो महेंद्र समझ में आया अच्छे से? चारों प्रोडक्ट समझ में आ गए अच्छे से? ठीक है, देखो ये दोनों जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 × 2 और √3 × √2, तब ये दोनों 3 2 6 हो गए और √3 × √2 √6 हो गए। बाकी कोई भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी सब में मल्टीप्लाई जब मैं कर रहा हूं तो एक तो रूट वाली क्वांटिटी, एक नॉन रूट वाली क्वांटिटी, तो जो नॉन रूट वाली है नॉन रूट वाली रहेगी, जो रूट वाली है रूट वाली रहेगी। अगले केस में भी जो नॉन रूट वाली है नॉन रूट वाली रहेगी, जो रूट वाली है रूट वाली रहेगी। यहाँ पे दोनों नॉन रूट वाली है तो मल्टीप्लाई होकर नॉन रूट वाली क्वांटिटी 6 बन गए, और वहां पे दोनों ही रूट वाली हैं तो दोनों मल्टीप्लाई होकर रूट वाली क्वांटिटी √6 बन गया। ठीक है ना, वेरी इजी। ठीक है, तो इतना नोट डाउन हो गया सभी का। हो गया इतना नोट डाउन? हो गया नोट डाउन सबका इतना? अब सवाल ये कि सर आगे सॉल्व होगा क्या? तो ये इससे आगे सॉल्व होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब सबके बीच में प्लस या माइनस का साइन है। चेक करो, प्लस प्लस प्लस। अब अपन मैथ्स में प्लस या माइनस उन्हीं को कर सकते हैं जो सेम नेचर के हैं। सेम नेचर के हैं मतलब देखो, इससे पूछा तेरा नेचर क्या है, तो इसने कहा मेरा नेचर √2 टाइप का है, तो √2 टाइप का और कोई नंबर नहीं है पूरी सीरीज में, देखो है क्या। मान लो √2 टाइप का एक और नंबर होता है लाइक 5√2, तो इन दोनों का नेचर मेल हो जा मैच हो जाता ना, √2√2। अगर ये दोनों का नेचर मैच हो जाता तो ये दोनों ऐड हो सकते थे, तो दोनों को ऐड करके क्या लिख देता मैं, 3 और 5 8√2। ठीक है, लेकिन कब ऐड हो सकते थे, जब इनका नेचर मैच होता। जब नेचर मैच नहीं होगा तो तू भी अलग और मैं भी अलग। फॉर एग्जाम्पल देखो, इधर स्क्रीन पे देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मैंने कहा 3 pens + 2 pens, तो पेंस पेंस नेचर सेम हो गया, तो नेचर सेम हो गया तो 3 + 2 = 5 pens लिख सकता हूं मैं। 3 pen और 2 pen मिला के 5 pen होते हैं, पर मान लो उसका नेचर डिफरेंट होता, पेंस की जगह वो पेंसिल्स होता, तो अब 3 pens और 2 pencils ना तो जुड़ के पेंस बनेंगे और ना ही जुड़ के पेंसिल्स बनेंगी, अलग अलग ही रहेंगी। 3 pens 3 pens ही रहेगा, 2 pencils 2 pencils ही रहेगा। ठीक है, बाजार से आप 3 pen लाए और फिर दोबारा में आप 2 pen लाए, तो अब आपसे पूछेगा टोटल क्या क्या लाए, तो 5 pen बोल सकते हो ना। लेकिन आप बाजार से 3 pen लाए और दोबारा में 2 pen नहीं लाए, 2 pencils लाए, तो अब आप कह सकते हो कि 5 pen लाया ना? आप ऐसे कह सकते हो 5 pencils लाया ना? आपको अलग अलग कहना पड़ेगा, सर मैं 3 pens and 2 pencils लाया। 3 pens आज भी अलग है, 2 pencils आज भी अलग है, ये ऐड नहीं हो सकते क्योंकि सिमिलर नेचर की ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो सिमिलरली ये सिमिलर नेचर के क्वांटिटीज नहीं है जिसको हम ऐड कर सकते। एड या सब्ट्रैक्ट सिमिलर नेचर की क्वांटिटीज भी हो सकती हैं मैथ्स के अंदर, समझ गए? क्लियर? जैसे एक्स और एक्स ऐड हो सकता है, 2x, एक्स और वाई ऐड नहीं हो सकता, एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई लिखना पड़ेगा, वो ऐड नहीं होंगे, एक्स अलग ही रहेगा और वाई अलग ही रहेगा। तो यही मेरा फाइनल आंसर है, क्योंकि और किसी का भी यहाँ पे नेचर सेम नहीं है, किसी भी क्वांटिटी का नेचर सेम नहीं। चेक करो अगर किसी का दिख रहा हो तो, आपको देखो एक एक का नेचर पूछते हैं, एक एक का नेचर पूछे तेरा नेचर कैसा है, हर कोई अच्छा ही बताएगा। देखो जैसे कि इसका नेचर है √6 टाइप का, तो √6 टाइप का और कोई टर्म नहीं है, नहीं है ना, ये भी पॉलीनोमियल है ना, पूरे पॉलीनोमियल में √6 टाइप का एक भी टर्म नहीं है, √3 टाइप का भी एक भी टर्म नहीं है, है क्या पूरा √3 टाइप का? देखो और कोई टर्म, √3 पकड़ना, √3 टाइप की शक्ल का और कोई टर्म दिख रहा है क्या? नहीं। √2 टाइप का भी दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और उसके आगे तो रूट ही नहीं लग रहा, तो वो तो एक रैशनल नंबर है, तो इसके अलावा कोई रैशनल नंबर भी नहीं है। मान लो कोई रैशनल नंबर मिल जाता जैसे +5, तो भी मैं 6 + 5 = 11 कर सकता था, लेकिन रैशनल भी एक ही है, 3 इरेशनल है, वो तीनों इरेशनल अलग 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 इरेशनल है, तो चारों ही अलग हो गए ना। ठीक है, इसमें कितने रैशनल नंबर से बताओ, 3 इरेशनल नंबर से बोलो, ये भी इरेशनल नंबर होगा, ये भी इरेशनल नंबर होगा, ये भी इरेशनल नंबर होगा, और वो तो है ही रैशनल, तो पहली चीज रैशनल तो रैशनल से जुड़ेगा नहीं, रैशनल तो वैसे भी रैशनल अलग ही रहेगा, और तीनों इरेशनल भी डिफरेंट डिफरेंट को नेचर के हैं, तो ये तीनों रैशनल्स भी नहीं जुड़ सकते। ओके,
तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यू कैन मैच योर आंसर विद आंसर की, चेक करो आंसर की से, चेक करो सही है क्या। सही है, लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट नोट डाउन करो, 3 + √3 इंटू 3 - √3, दिस वन नोट करो, नोट करो बेटा। अच्छा कर लिया, दिखाओ। एक लाइन छोड़ा करो, एक क्वेश्चन हो जाए उसके बाद एक गैप दिया करो, एक लाइन या दो लाइन छोड़ के नीचे से किया करो, ठीक है। कंजूसी नहीं करना है, अगर हम कंजूसी करेंगे तो चेक करने वाला मार्क्स देने में कंजूसी करेगा, करेगा ना। ओके, 3 + √3 मल्टीप्लाइड बाय 3 - √3, शुरू करें। इसको कैसे करें देखो, अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, चारों अलग 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 रखते, यहाँ पे चारों अलग नहीं है। देखो 3 से 3 मैच कर रहे हैं और √3 से √3 भी मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगने वाली है क्या आइडेंटिटी, क्या लगने वाली है आइडेंटिटी। यू कैन सी ये किस टाइप का नंबर है, ए प्लस बी नहीं प्लस रूट बी, प्लस बी नहीं प्लस रूट बी, नेचर पहचानो और आगे बढ़ो। 3 को a माना तो इधर भी 3 को a मानना पड़ेगा, लेकिन इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो -√3 को हम क्या लिखेंगे, रूट बी। तो a + √b इंटू a - √b की आइडेंटिटी लिखी थी क्या हम लास्ट क्लास में, चेक करो, लिखी थी आज लास्ट क्लास में आए थे बेटा, चेक करो लिखी थी क्या हमने, a + √b इंटू a - √b वाली आइडेंटिटी लिखी थी क्या, लिखी थी। चलो तो उसका आंसर देखो, मैं याद दिलाता हूँ, रिकॉल करता हूँ, लास्ट के टाइम में रिकॉल करवाता हूँ, एग्जाम के टाइम में आपको रिकॉल करना है, वहां पे मुझे मत कहना सर वो याद करवाना क्या था, उस टाइम आई कैन नॉट हेल्प एनीवन, ठीक है। देखो इधर स्क्रीन पे एक बार रिकॉल करवाता हूँ, मैंने आपको तरीका क्या बताया था, जिसके ऊपर रूट नहीं है उसका तो कर दो स्क्वायर, याद है, याद आ रहा है बताया था, माइनस जिसके ऊपर रूट है उसको लिख दो एज इट इज, तो इसका आंसर a² - b बना था ना, बना था नहीं बना था, तो मैं क्या करूंगा इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, तो ए तो यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है अंदर वाला 3। भाई देखो √3 की वैल्यू √b है, तो बी की वैल्यू तो अंदर वाला 3 माना जाएगा ना, ओनली बी की वैल्यू क्या मानी जाएगी, केवल अंदर वाली क्वांटिटी 3, तो उसको मैं एज इट इज लिख दूंगा 3, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पर भी वो रूल फॉलो हो रहा है, इस वाले स्क्रीन के ऊपर रूट नहीं है तो इसका मतलब नहीं पा रहा, अगले वाले के ऊपर रूट है तो उसका स्क्वायर में करो और बीच में क्या लगा दो माइनस का साइन, समझ गए, इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। सो 3² क्या होता है बताओ, 9, 3 का स्क्वायर 6 कौन कौन लिखता है पहले तो बताओ, तो लिखता है 3 का स्क्वायर 6, 3 2 = 6, 3 × 2 नहीं कह रहा हूं मैं, 3 × 3 कह रहा हूं, समझते हो, 3² का मतलब होता है 3 × 3, तो 3 × 3 क्या होता है 9 होता है, 9 में से 3 को घटाना है, तो 9 में से 3 को घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा 6, तो ये तो आंसर तो आ गया। अब इसमें कुछ कुछ काम अभी बाकी है, एक तो आपने यहां से यहां कैसे पहुंचे, कुछ आइडेंटिटी को यूज करके पहुंचे, तो हम जिस भी स्टेप में आइडेंटिटी को यूज करते हैं उसके सामने, उस स्टेप के सामने वो आइडेंटिटी एज रीजन लिखनी पड़ती है, तो बिकॉज और वो वाली आइडेंटिटी लिख देंगे हम, बिकॉज a + √b मल्टीप्लाइड बाय a - √b इज इक्वल टू होता है a² - b, ये आइडेंटिटी हमको उस स्टेप के सामने लिखनी पड़ेगी जिस स्टेप में मैंने उसको यूज किया है। अब कई बच्चे पहले स्टेप पे लिख देते हैं, पहले स्टेप पे क्या होगा, क्वेश्चन ही है, यहां से यहां आते टाइम आइडेंटिटी यूज हुई ना तो ऊपर नहीं आएगी, कहां आएगी पीछे, जहां पे यूज हो गई, ठीक है, जहां पे यूज होना स्टार्ट हो रही है वहां पे नहीं, जहां पे यूज खत्म हो गई इस स्टेप में हमको आइडेंटिटी लिखनी, ठीक है ना। जो ऊपर तो मैंने आपको इसलिए लिख दिया ताकि आप कंपेयर कर सको, लेकिन ऊपर थोड़ा लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, उस स्टेप पे लिखेंगे। तो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना ही है, यही इसका पार्ट, मतलब इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं करना, ठीक है, ये हो गया नोट डाउन। तो फिर और कुछ बात करूं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, हो गया नोट डाउन।
अंशिका आप जुड़ गए ग्रुप में, क्या कर लिया, आ रहा है मैसेज? ओके, और कौन नहीं है ग्रुप में, आप क्यों नहीं ऐड हो रहे बेटा? आज हो जाओगे। और आप हो गए ऐड? क्या नाम था बेटा आपका? कनिष्का। आपका शायद फोन भी आया था मम्मी या पापा का। अभी आप एक बार लास्ट में मिलके जाना ना। और किरण आप तो हो गए ऐड, बाकी सब ऐड हो गए, फॉर्म ले लिया, फीस भी जमा हो गई, ठीक है। फॉर्म कहाँ है? और मैंने हाँ मैसेज डाला था कि जितनों ने भी फीस करवा दी जमा उनका फॉर्म चाहिए मुझे, वो लिखा था मैंने मैसेज। पढ़ा था आपने, फिर भी नहीं लेके आए? देखने के बाद, पढ़ने के बाद भूल गई, इसका मतलब मेरा डर नहीं है, मेरे को कराना पड़ेगा। ऐसा ही है सर तो बोलते रहते हैं क्लियर नहीं। और एक होता तो सर ने बोला सारा काम छोड़ा के खाना भी खा रहे हैं, रख देते हैं एक बार, जाओ मजार जाओ लेके आओ, फोटो लेके आओ, फॉर्म लगाओ सर, है ना, क्योंकि सर ने बोला है। तो ऐसा ऐसा चाहते हो आप कि मैं आपको सर डरा धमका के रखूं? खौफ हो मेरा, रात को भी नींदों में मेरी शक्ल दिखाई दे, मम्मी कमल सर आ जाएंगे, जल्दी सो जाओ। हाँ, क्या मेरी इमेज आप ऐसे बनाना चाहते हो कि यहाँ से 10-10 किलोमीटर दूर कोई अगर बच्चा नहीं सोए तो उसको कि सो जा बेटा, नहीं तो कमल सर आ जाएंगे, तो मैं फिर ऐसा भी बन जाऊंगा? इफ यू वॉन्ट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू ऑल, ठीक है। आप ले आए फॉर्म? आप तो ग्रुप में ही नहीं थे ऐसे बोलने वाले, बाबा ना आपको बता ही नहीं था मैंने ऐसे बोला था। भरवा लिया, कल ले आओ, फिर भी एक बार मेरे को मिलके नोट करवा के जाना कितनी क्या फीस देके गए हो, है ना। और आप दोनों भी, आप दोनों की भी आई है ना फीस? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी फीस आ गई लेकिन फॉर्म नहीं आया? थ्री। तो ऑल थ्री ऑफ यू विल स्टे बैक आफ्टर द क्लास, 2 मिनट रुक के मेरे को नोट करवा के जाना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, फिर दोबारा देनी पड़ जाएगी अगर मैं भूल गया तो। इसलिए मैं कहता हूँ फॉर्म दो, इसलिए मैं कहता हूँ फॉर्म दो साथ में, क्योंकि फॉर्म में क्या होता है, हैंड टू हैंड नोट हो जाता है और हैंड टू हैंड फाइलिंग हो जाती है। ये फॉर्म के ऊपर ही नोट की जाएगी आपने कितनी फीस, और आपके सामने ही करेंगे ताकि बाद में कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो किसी भी प्रकार की, ठीक है। ओके, तो आप तीनों रुक के नोट करवा के जाइएगा और बाकी बच्चों की फीस जमा करवाओ। किस किस की पेंडिंग है? आप मुस्कान की हो गई, रिद्धि की नहीं हुई, अंशिका की भी नहीं हुई, आपकी भी नहीं हुई, आपकी भी नहीं, चारों की नहीं हुई, तो करवाइए भाई, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन में एक अप्रोच और सुनो, बातें नहीं अभी तक ध्यान से देखो, सेकेंड अप्रोच देखो। सर आप यहां से यहां आए इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आए, ये आइडेंटिटी कहती है कि जब ऐसे ऐसे शक्ल का कोई स्ट्रक्चर हो तो उसको वैसे बना दो, ऐसा आइडेंटिटी ये कहती है। तो ये आइडेंटिटी इस स्ट्रक्चर को इसमें कन्वर्ट करने के लिए भी कुछ करती होगी, क्या करती थी आप याद करो, सबको सबसे मल्टीप्लाई करती थी, हमने इन आइडेंटिटीज के प्रूफ सीखे थे ना लास्ट क्लास में। तो यहां से यहां, इस यहां से यहां कन्वर्ट करने का भी तो कोई तरीका था ना, क्या तरीका था, सबको सबसे मल्टीप्लाई करना। तो सर जब सबको सबसे मल्टीप्लाई करके ये आइडेंटिटी वहां पहुंची है, तो मैं काम करता हूं, मैं कोई आइडेंटिटी नहीं इस्तेमाल करता हूं, मैं सीधे ही सबको सबसे मल्टीप्लाई स्टार्ट कर देता हूं। तो सेकेंड अप्रोच वो करेगा जिसको कुछ नहीं आता, मरता क्या ना करता, मर ही रहा है तो वैसे ही कुछ याद नहीं आ रहा। तो फाइनल अप्रोच क्या होगी, सबको सबसे मल्टीप्लाई, उससे तो हमेशा आंसर नहीं है, बट उससे थोड़ा टाइम लगेगा। और आपको आइडेंटिटी आती है, तो देखो 1 2 यहाँ तक उससे सॉल्व कर दिया, उसके बाद तो मैं मेरी मैंने 9-3 भी लिखा है, लेकिन आप चाहो तो उसके बाद तो ये 6 भी डायरेक्ट लिख सकते हो। तो आइडेंटिटी से 3 स्टेप्स में हो गया, और अभी सबको सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो कर तो दोगे लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। बट फिर भी वो भी देख लो कि अगर सबको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आंसर आएगा। शुरू करें, तो मैं सेकेंड अप्रोच में आ चुका हूँ, और लगा दिया मैंने, और का मतलब अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो कैसे करेंगे। एक बार मैं सवाल लिख देता हूँ फिर से, 3+√3 मल्टीप्लाइड बाय 3-√3। देखो सब लोग, सबको सबसे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं, तो पहले तो इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9, फिर इस 3 को उस -√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो साइन डिसाइड किया करो कि मल्टीप्लाई करने के बाद साइन कैसा है। तो देखो ये प्लस की क्वांटिटी, ये माइनस की क्वांटिटी, तो मल्टीप्लाई करने पे फाइनल आंसर किस क्वांटिटी में आएगा, माइनस। तो ठीक है, प्लस माइनस माइनस सबने आपकी, अच्छी बात है, माइनस। अब मल्टीप्लाई करो, तो 3 बाहर है, वो 3 अंदर है, तो जो बाहर था वो बाहर रहेगा, जो अंदर है वो अंदर जाएगा, वेरी गुड। ओके,
अब इस रूट थ्री को इस थ्री से गुणा कराओ, ये प्लस तो प्लस 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 मल्टीप्लाई हो गया प्लस। अब ये थ्री अंदर है वो थ्री बाहर है तो ये भी थ्री रूट थ्री बनेगा मानते हो। अच्छा ये चीज तो सबको समझ में आ गई क्या कि सर थ्री इंटू रूट थ्री तो आप थ्री रूट थ्री कर रहे हो, अच्छी बात है करना, लेकिन रूट थ्री इंटू थ्री आप रूट थ्री थ्री क्यों नहीं कर रहे हो भाई? ये एज इट इज यहां लिख दिया, ये एज इट इज यहां लिख दिया, तो इसमें भी तो ऐसे करो ना, ये एज इट इज यहां लिख दो और ये एज इट इज यहां लिख दो, तो ऐसे लिखने में अटपटा सा लग रहा है ना रूट थ्री थ्री, तो हम क्या करेंगे थ्री को पहले लिखेंगे, यानी इसको भी हम क्या लिखेंगे थ्री रूट थ्री ही लिखेंगे। ये चीज तो समझ में आ गई ना, रूट वाली क्वांटिटी मतलब इरेशनल क्वांटिटी बाद में लिखेंगे और रैशनल क्वांटिटी हम पहले लिखेंगे, तो थ्री इंटू रूट थ्री करूं या रूट थ्री इंटू थ्री करूं, आंसर थ्री रूट थ्री लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे रूट थ्री थ्री, ठीक है? इज दिस क्लियर? ओके नेक्स्ट, कहां तक पहुंच गए थे हम, यहां तक। फाइनली देखो एक ये इसको मल्टीप्लाई करना रह गया, तो ये अंदर पहले तो साइन डिसाइड करो, प्लस माइनस माइनस, ये भी अंदर वो भी अंदर दोनों अंदर, तो रूट नाइन। ओके और रूट नाइन को सॉल्व किया जा सकता है, रूट नाइन क्या होता है थ्री होता है, तो फर्दर स्टेप हम चलते हैं नाइन। अब देखो एक और चीज देखो यहाँ पे, ये माइनस का थ्री रूट थ्री, ये प्लस का थ्री रूट थ्री, अगर मैं इनके साइंस भूल जाऊं एक बार तो बचा हुआ स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है क्या? तो माइनस ने प्लस को खा लिया, प्लस ने माइनस को खा लिया, कुल मिला के ये दोनों नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गए, जीरो बन गए, क्या बन गए जीरो, ऐसे मान लो कट गए या ऐसे मान लो जीरो बन गए, तो इसको भी नहीं लिखना, इसको भी नहीं लिखना, सीधे क्या लिखना है माइनस रूट नाइन, क्या लिखना है माइनस रूट नाइन, और रूट नाइन की वैल्यू सब जानते हैं क्या होता है थ्री, और नाइन माइनस थ्री क्या होता है सिक्स, तो देखो यहां से भी आंसर सिक्स आया, यहां से भी आंसर सिक्स आया, वो आइडेंटिटी यूज करके आया, और ये सबको सबसे जो लॉन्ग वाला तरीका बेसिक तरीका है वो करके आया, ठीक है? दिस इज कॉल्ड हार्ड वर्क एंड दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, डिसाइड वेदर यू आर ए हार्ड वर्कर और ए स्मार्ट वर्कर, वो आप डिसाइड करो, पर अगर मान लो ये चीज भूल जाओ एग्जाम में तो हार्ड वर्क कर लेना, ऐसे नहीं अपने एटीट्यूड में लगो, मैं नहीं करता ऐसे लंबा चौड़ा, आता है तो ठीक है नहीं छोड़ दूंगा, तो ऐसा एटीट्यूड भी मत रखना, अगर वो भूल जाओ तो ऐसे कर लेना सबको सबसे मल्टीप्लाई। चलो ये भी लिखो और लगा के, ताकि आपके पास नोट्स में सब कुछ नोट डाउन हो कि ये नहीं तो वो नहीं तो ये। ठीक है यस, देखो मैं तो पूरे दूंगा, अब आपके टीचर आइडेंटिटी लगाकर दे रहे हैं या बिना आइडेंटिटी लगाकर नहीं दे रहे हैं वो आपको अपने अपने स्कूल टीचर से पूछना पड़ेगा, क्योंकि सबके अलग अलग हैं, अब मैं सबको तो जानता भी नहीं हूँ और सबके पढ़ाने की टेक्निक को आप बेहतर समझते हैं, तो आप पूछ लेना आपके सर से, फिर वो जैसा कहेंगे वो, स्कूल में तो आपको उन्हीं की माननी पड़ेगी ना। हाँ अगर ये बोर्ड का क्वेश्चन होगा तो बोर्ड में आपको उसमें और इसमें दोनों में मार्क्स मिले, ठीक है? बट स्कूल पैटर्न का मैं कुछ कह नहीं सकता, तो आप उनसे पूछना, फिर अगर आपके स्कूल वाले कहते हैं ऊपर वाले से ही करो तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, करो भाई वैसे ही करो, मैंने तो दोनों तरीके सिखा दिए, तीसरा कोई तरीका नहीं है। ओके चलो चले नेक्स्ट, हाँ कल को मैं कह दूँ कि दोनों से मार्क्स मिलेंगे, स्कूल ने वालों ने इस वाले तरीके से मार्क्स काट दिए मेरे ऊपर आ गए, सर आपने तो कहा था मार्क्स मिलेंगे दिए ही नहीं सर ने, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ उस केस में, आपके अगर स्कूल वाले कहते हैं कि वो आइडेंटिटी यूज करो तो करनी चाहिए, वैसे फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी आइडेंटिटी यूज करना होना चाहिए, क्योंकि जो चीज नई चीज सीखी है उसको अप्लाई नहीं करेंगे हम तो सीखने का क्या फायदा हुआ, सीख भी ली लेकिन वो भी वही सबको सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सीखने के बाद भी सबको सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर सब वो आइडेंटिटी क्यों सीखी थी फिर? ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं उसको डिलीट पूरी स्क्रीन को, चलो लेट्स नोट डाउन द थर्ड वन, रूट फाइव प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे टू थोड़ा सा मिट गया है, जो पावर टू है वो है ना, रूट फाइव प्लस रूट टू का होल स्क्वायर हो गया नोट डाउन, इसको भी हम करेंगे दोनों तरीकों से, एक तो विद द यूज ऑफ आइडेंटिटी और एक वही मेहनत मजदूरी वाला तरीका सबको सबसे मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना? एक है स्मार्ट तरीका, एक है गदा स्टाइल, मेहनत मजदूरी मतलब गदा स्टाइल, ठीक है? अब देख लेना, आ जाओ रूट फाइव प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, अब ये किस टाइप की आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ लेकिन आप ऊपर नहीं लिखेंगे, ऊपर मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि क्या मैच कर लो, हमको आइडेंटिटी तो वहीं लिखनी है जहां पे जिस स्टेप में हमने यूज करी है सामने उसके, है ना? पर एक बार मैं आप मैच कर सको इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो याद करो ऐसी आइडेंटिटी थी आपके पास रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, याद करो थी क्या?
उससे इसकी शक्ल हूबहू मिलती है, चेक करो ठीक है। ऐसी आइडेंटिटी, अभी क्या नाम है आगम, क्या थी इसकी वैल्यू, क्या थी रूट ए प्लस रूट बी के होल स्क्वायर की वैल्यू, क्या याद करी थी हमने, ए स्क्वायर था बेटा, जिसके ऊपर रूट है उसका स्क्वायर नहीं होता, तो ए के ऊपर भी रूट है, बी के ऊपर भी रूट है, तो दोनों का स्क्वायर नहीं होगा, ए अलग रहेगा, प्लस रूट ए टू रूट ए बी, राइट, तो रूट ए बी और फिर बी भी अलग रहेगा, ठीक है, ये इसका आंसर हुआ करता था, याद करो लास्ट क्लास में। तो अब हमको इसका आंसर चाहिए, हमको इसका आंसर चाहिए, सॉल्व करें कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या है, ए तो ए कौन है, फाइव, तो ए की जगह लिख दूंगा मैं फाइव, ओके, प्लस आगे क्या लिखा हुआ है, टू, तो मैं भी लिख देता हूं टू, फिर रूट खोल के और अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा करके बैठा है वो, चेक करो, ए को बी से गुणा करके बैठा है, तो हम भी क्या कर देंगे, रूट खोल देंगे और अंदर वाले से गुणा कर देंगे, तो फाइव टू जा टेन, ज्यादा से ज्यादा आप एक स्टेप में गुणा करके दिखा देना और अगले स्टेप में कर देना, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक स्टेप में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस और फिर बी, ये वाली क्वांटिटी एज इट इज लिखी हुई है, तो मैं क्या कर दूंगा, ये वाली क्वांटिटी एज इट इज लिख दूंगा, क्या है ये वाली क्वांटिटी, टू, इसको फर्दर सॉल्व कर दो, तो देखो अब ये रैशनल क्वांटिटी है, ये भी रैशनल क्वांटिटी है, तो ये फाइव प्लस टू एड होके सेवन हो सकते हैं, सिमिलर नेचर की क्वांटिटी हो गई ना। अब कोई ऐसा भी कह सकता है, सर ये भी तो टू है, इसको भी तो कर दो, ये भी तो रूट के बाहर है, तो बेटा एक पॉलिनोमियल में या मैथ्स में कह लो, प्लस या माइनस साइन जहां आ जाए वहां पे डिफरेंट टर्म शुरू हो जाती है, तो देखो यहाँ पे कितनी टर्म्स है, यहाँ पे तीन टर्म्स है, एक टर्म ये है, फिर प्लस आ गया ना, तो यहां से तो दूसरी टर्म शुरू हो गई, लेकिन टू और इसके बीच में प्लस है क्या, है क्या प्लस इसके बीच में, नहीं है, तो इसके बीच में प्लस नहीं है, दैट मीन्स ये पूरी एक ही टर्म है, ये अलग अलग टर्म्स नहीं है, फिर वापस प्लस आ गया, तो ये तीसरी टर्म है, प्लस या माइनस साइन से नेक्स्ट टर्म स्टार्ट होती है, तो ये जो टू है ना, ये इंडिपेंडेंटली अलग से नहीं बैठा है कि इसको पांच के साथ जोड़ दो, ये तो उसके साथ बैठा है, समझ गए, ये उसका पार्ट है। हाँ अगर ये प्लस टू अलग होता, और मान लो बीच में एक प्लस साइन अलग होता या माइनस साइन होता, अब मान लो बीच में प्लस साइन होता, तो ये अलग टर्म मानी जाती, ये अलग टर्म मानी जाती, अब ये टू जुड़ सकता था इन भाई लोगों के साथ, समझ गया ना, समझ गया सारी बातें, सो इधर मैं इसको एक टर्म मानूंगा, तो मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूं, ओनली फाइव को और जो टू इंडिपेंडेंटली बैठा है उसको अलग से बैठा है, ठीक है, सो फाइव प्लस टू इज सेवन, और ये वाली टर्म एज इट इज लिखी जाएगी, प्लस टू एज इट इज और फाइव टू जा टेन, अब ये वाली टर्म इस वाली टर्म के साथ नहीं जुड़ सकती है, रैशनल है वो, इरेशनल है, दो टर्म्स हो गई ना, प्लस साइन आ रहा है, तो ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, क्या ये दोनों जुड़ सकती हैं, नहीं, क्योंकि ये रैशनल है, ये इरेशनल है, सिमिलर नेचर की टर्म्स ये नहीं है, सो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, और वो जो ऊपर आइडेंटिटी लिख रहा है, देखिए दिखाई दे रही है, वो रीजन में आएगी, कौन सी जगह, इस जगह, ठीक है, कैसे, बिकॉज, इस साइन का मतलब क्या होता है, देखो अगर ऐसा है तो इसका मतलब होता है देयर फोर, सो या देयर फोर, और इसका उल्टा कर दूं तो इसका मतलब होता है बिकॉज, ठीक है, इसका उल्टा कर दें, क्योंकि सो का उल्टा बिकॉज होता है ना, इंग्लिश ग्रामर में सोचो तो रीजन का उल्टा रिजल्ट, रिजल्ट का उल्टा रीजन, तो जब हम रीजन कहते हैं तो हम बिकॉज से स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, जब हम रिजल्ट कहते हैं तो हम सो से स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो सो का उल्टा बिकॉज, बिकॉज का उल्टा सो, तो इसमें भी इसका उल्टा कर दो मतलब इसको फ्लिप कर दो, ठीक है ना, तो ये तो है सो और वो है बिकॉज, बिकॉज वो आइडेंटिटी लिख दो ऊपर वाली, रूट ए प्लस रूट पी का होल स्क्वायर इज नथिंग बट ए प्लस रूट ए बी प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर से हटा देता हूं फिर मैं। अब अगला तरीका कौन सा वाला, कौन सा वाला, नहीं क्या क्या नाम दिया हमने उस तरीके को, क्या क्या अभी अभी तो बताया था, बोलो अंशिका, अभी जो अगला तरीका हम करने वाले हैं उसको क्या नाम दिया था अभी मैंने, हार्ड वर्क तो उससे पहले नाम दिया था, अभी गधा स्टाइल, ओके, सबको सबसे यानी मेहनत मजदूरी वाला काम, ओके ना, करें, ओके लेट्स सी, सो एक बार फिर से लिख दो क्वेश्चन, रूट फाइव प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, अब देखो क्या करूंगा मैं, किसी का भी होल स्क्वायर लगा हुआ होता है, किसी का भी होल स्क्वायर लगा हुआ होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, उसको उसी से गुणा करो, जैसे मैंने कहा थ्री का स्क्वायर, तो थ्री
को 3 से गुणा करो, मैंने कहा 10 का स्क्वायर तो 10 को 10 से गुणा करो, मैंने कहा x का स्क्वायर तो x से गुणा करो, ठीक है। तो रूट रूट फाइव प्लस रूट टू का होल स्क्वायर करना है, दैट मीन्स रूट फाइव प्लस रूट टू को रूट फाइव प्लस रूट टू से गुणा करना है, ठीक है। तो मैं इसको स्प्लिट करता हूं, तो मैं ऐसे कैसे लिखूंगा इसको, रूट फाइव प्लस रूट टू इसको इंटू इसी से करो, रूट फाइव प्लस रूट टू से ही इंटू करो, समझ गए, इसको इसी से गुणा करा दो, क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर होल क्यूब लिखा हुआ होता तो तीन बार गुणा करता, होल क्यूब लिखा होता तो इसी को तीन बार आपस में गुणा करता, समझ गए। चलो अब क्या करूं सर, अब वही स्टाइल सबको सबसे। सो देखो ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे शुरू हो जाए, सारे रूट के अंदर है तो सारे रूट के अंदर है तो आंसर भी सबका रूट के अंदर ही आएगा, सबका आंसर क्या आएगा, रूट के अंदर ही आएगा। चलो एक एक से पूछते हैं, अंशिका यू विल स्टार्ट, बताओ रूट फाइव इंटू रूट फाइव क्या लिखूंगा, रूट रूट 25, तो 5 का स्क्वायर 10 कर दिया फिर से आपने, 5 टू जा नहीं कह रहा हूं, 5 स्क्वायर कह रहा हूं, सो 5 इंटू 5 क्या होता है 25, तो ये क्या हो जाएगा, रूट फाइव इंटू रूट फाइव इज रूट 25। अगला यस रिधि, रूट फाइव इंटू रूट फाइव हो गया, सॉरी रूट फाइव इंटू रूट टू की बारी है, बोलो क्या आएगा, रूट 10 है, 5 टू जा 10, वो भी रूट में ये भी रूट में, तो आंसर भी क्या आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा प्लस रूट 10। यस आप बताओ मुस्कान, रूट टू इंटू रूट फाइव क्या होगा, ये भी रूट 10 ही होगा क्योंकि 2 5 से ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। एंड आप बताओ महेंद्र जी, रूट टेन रूट टू इंटू रूट टू क्या होगा, रूट फोर, टू टू जा 4, फाइन। सर इसकी शक्ल तो उससे मिल ही नहीं रही, अभी सब्र करो, देखो रूट 25 को क्या लिख सकते हो आप, 25 का रूट क्या होता है 5, 25 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, और 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 का रूट क्या होगा 2, बाकी 10 और 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 10 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है ना। तो अब रूट 10 और रूट 10 लेकिन सिमिलर नेचर के जरूर हैं, तो सिमिलर नेचर के जुड़ सकते हैं ना, मेरी जेब में एक रूट 10 यहाँ है, मेरी जेब में दूसरा रूट 10 यहाँ है, मेरे पास बताओ कितने रूट 10 हुए, 2 रूट 10 हुए। सपोज करो एक रूट 10 मेरे पास था, बाजार से एक और रूट 10 ले आया, अच्छा लग रहा था मेरे को, पापा एक और रूट 10 आते टाइम ले आना, पापा ले आए, ये ले बेटा तेरा रूट 10, तो एक तो पहले ही था, अब कितने हो गए 2 रूट 10। कल भी मैं शायद मैंने बताया था रूट 10, नहीं आज ही बताया शायद, रूट 10 को पेन या पेंसिल मान लो, तो रूट 10 पेन, रूट 10 दूसरा पेन, सेम पेन है क्योंकि सेम नेचर है, तो एक पेन और एक पेन मिलके 2 पेन, वापस पेन को रूट 10 से रिप्लेस करो तो 2 रूट 10, तो रूट 10 प्लस रूट 10 हो गया मेरा 2 रूट 10 हो गया। और अब 5 प्लस 2 भी तो करेंगे क्योंकि रैशनल रैशनल तो जुड़ सकते हैं ना, तो 5 और 2 मिलके कितने होंगे 7 प्लस 2 रूट 10। अब आप चेक करो आंसर पहले केस में और दूसरे केस में हूबहू सेम है, मैं नोट करो, कल कोई ऐसा स्टूडेंट भी था क्या जो आ गया, मतलब मैंने तो छुट्टी रखी थी बट गलती से आ गया, बट पहली बात तो सब साइंस और मैथ्स दोनों में आते हैं, तो साइंस के लिए आए होंगे पता चल जाओ। बट फिर भी एक रूटीन बना लो बेटा, घर से निकलते टाइम 15-20 मिनट पहले एक बार ग्रुप चेक करके निकला करो, कई बार क्या इमरजेंसी में भी क्लास ऑफ भी हो जाती है, टाइम भी चेंज हो जाता है, तो ऐसा कभी नहीं हो कि आप आ जाओ और क्लास ही ना हो, वो बड़ा दुखदाई होता है आपके लिए, तो पता नहीं पर हमको बड़ा बुरा लगा, आपको तो मजा आ जाता है, आप तो घर से तो बोल के निकल जाते हो पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे क्लास ही नहीं, मजे हो जाते हैं, पर हमारे लिए बहुत बड़ा दुखदाई चीज हो जाती है, हमें बड़ा बुरा लगता है कि बच्चे आए और उनको क्लास नहीं मिली। तो मैंने टाइम डाला है बेटा, आज की क्लास 5 बजे मैंने टाइम नहीं डाला, मैंने किस ग्रुप में डाल दिया, तुम डाला तो है, अच्छा मैंने इतना लिख के छोड़ दिया कल का टाइम इवनिंग का रख लें, बट फिर किसी ने पूछा ही नहीं कि क्या है टाइम, 3:23 पे तो मैं सो गया था। देखो आपने जिस जिस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछा है सबका मैंने आंसर दिया, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन रिधि का आया है 3:23 पे आया है,
दैट वाज दैट टाइम आई वाज स्लीपिंग, तो अब नींद में तो आंसर नहीं दे सकता, तो वैलेंटाइन पूछ लो ना, ठीक है? क्या कब देखा आपने? ऐसा नहीं ना यार कि वो पूछ लेगी, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी समझो, कोई बात नहीं मैं ही पूछ लेती हूँ, ठीक है? अब देखो वो सोचेगी कि वोट पूछ ले, वो सोचेगी कि ये पूछ ले, बड़ी मुश्किल से कोई एक पूछेगा और उस टाइम में सो रहा था तो काम तो बिगड़ गया ना हमारा। तो जिसको जब याद आए कोई भी चीज क्वेरी पूछना उसी टाइम पूछ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने पूछा किसने पूछा, हमको तो एक सॉल्यूशन चाहिए प्रॉब्लम का, है ना? ठीक है, ओके। एक्चुअली क्या है, मैंने ग्रुप में डाल रहा था कि इवनिंग का रख ले, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सबका कंफर्मेशन आ जाए फिर मैं डाल देता हूँ कि 5 बजे का टाइम है, कंफर्मेशन एक का ही नहीं आया। इसका कंफर्मेशन क्या है, इसका तो विरोध आया कि सर नहीं इस मॉर्निंग का रखो, तो मैंने इसको कन्विंस करने की कोशिश करी कि नहीं बेटा मॉर्निंग में छवि का था, ओके छवि का था, हाँ छवि का था, तो मैंने छवि को कन्विंस करने की कोशिश करी कि नहीं नहीं बेटा सुबह तो क्लासेस रख दी, अब आप इवनिंग का, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब हाँ तो बोले कोई, हाँ बोले तो फिर मैं कहूँगी ठीक है बेटा, किसी ने हाँ नहीं बोला फिर मैं भूल गया, ठीक है? ये हुआ, ये सारा घटनाक्रम हुआ और मुझे ऐसा लगा शायद मैंने बता दिया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, √5 - √2 और √5 + √2, वैसे करीब करीब आप ऐसे मान के चलना संडे या सैटरडे जिस दिन स्कूल ऑफ होगा ना तो आपका टाइम करीब करीब यही रहेगा, तो कोई मैसेज ना आया तो समझ जाना भाई, पर वैसे मैसेज डाल देंगे नेक्स्ट टाइम, ऐसा नहीं होगा और आप लोग भी पूछ लीजिएगा, है ना? ओके तो सबसे पहला काम तो आइडेंटिटी के थ्रू इसको देखें, तो आइडेंटिटी क्या थी, देखो रूट ए, ये √5 को लिख दो मैं रूट ए, फिर है माइनस, √2 को लिख दो मैं रूट बी, ब्रैकेट अगला ब्रैकेट आ जाओ, फिर √5 वापस रूट ए है और फिर बीच में प्लस साइन है और रूट बी है, तो √A - √B और √A + √B, क्या आंसर था इसका? a - b * a + b क्या होता है, a² - b², लेकिन सब पे रूट ए तो किसी पे ही स्क्वायर नहीं लगेगा, आंसर ए माइनस बी होगा, बस सब पे रूट है ना, जिस पे रूट होता है तो उसका स्क्वायर नहीं करते ना, तो इसमें ए के ऊपर भी रूट है, इसमें बी के ऊपर भी रूट है, तो वैसे तो मैं a² - b² लिखता आइडेंटिटी फॉर्म में, लेकिन जिसके ऊपर रूट है तो उसके ऊपर स्क्वायर नहीं लिखते, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, तो फिर a - b लिखेंगे हम, a² - b² नहीं लिखेंगे। शास्त्र हमारे, शास्त्र हमारा सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है? NCERT, वही हमारे लिए भागवत गीता है, एज ए स्टूडेंट हमारे लिए कौन है भागवत गीता? NCERT बुक, नॉट ओनली मैथ्स सारे सब्जेक्ट की, ठीक है ना? वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी ब्यूटीफुली डिजाइंड, हर तरीके से परिपूर्ण है, ठीक है? नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इससे सुंदर बुक नहीं है। आप जब आगे जाओगे इन योर कोई भी कॉम्पिटिशन फाइट करोगे तो वहां पे स्पेशली सजेस्ट किया जाता है कि क्लास 8 की ये वाले टॉपिक की NCERT पढ़ो, उसमें ये टॉपिक है, तो याद आता है 8 में ही पढ़ लेते शायद, कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, अभी नहीं पढ़ना पड़ता, तो ये बहुत अच्छे से डिजाइन है ये, और इसको ढंग से पढ़ो, मतलब इसमें क्या है, एक टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन है, उसके बाद उसी की एक्सरसाइज है, फिर अगला टॉपिक है, फिर अगले की एक्सरसाइज है, ऐसा मिक्स में नहीं है। कई बुक्स में क्या होता है पहले ही सारे नोट्स होते हैं एक साथ मिक्स में, फिर एक साथ एक्सरसाइज होती है, या फिर जो टॉपिक यहाँ पढ़ा है उसकी एक्सरसाइज बाद में आ रही है, तो ऐसा नहीं है इसमें, है ना? इसमें क्या, एक टॉपिक है उसको समझाया गया फिर उसी की एक्सरसाइज है, फिर अगला टॉपिक है उसको समझाया गया फिर उसकी एक्सरसाइज है, जो चीज पहले होनी चाहिए वो पहले है, जो चीज बाद में होनी चाहिए वो बाद में, बिल्कुल इस तरीके से हो रहा है, ठीक है? ओके तो आंसर लिखो अभी, a - b, तो a कौन है 5, b कौन है 2, 5 - 2 आंसर इज 3, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड सा था ऊपर और आंसर देखो तुच्छा सा है, 5 - 2 = 3, ठीक है? ओके लेट्स नोट डाउन द रीजन ऑल्सो, रीजन भी नोट डाउन करें, ये ऊपर वाली आइडेंटिटी एज इट इज लिखते हैं, बिकॉज √a - √b * √a + √b = a - b होता है, ऊपर से हटा देता हूं मैं, ये तो हो गया एक तरीके से, और अब फटाफट से इसकी इसका गधा स्टाइल भी देख लो, फ्री स्टाइल, चलो फ्री स्टाइल देखो, √5 + √5 - √2 * √5 + √2 क्या है, फ्री स्टाइल, फ्री हो जाओ सबको सबसे कर दो, कोई मतभेद ही नहीं है, ठीक है ना? किसी को किसी से कोई मतभेद नहीं है, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, ये भी इससे मिल रहा है, ये भी इससे मिल रहा है, ये भी इससे मिल रहा है, हो गई ना फ्री स्टाइल। चलो देखो फ्री स्टाइल करते हैं, चलो कहाँ तक आ गए थे हम, 1 2 3 4, आगम तेरी बारी है, सबको सबसे मल्टीप्लाई करना है, √5 * √5,
√25, सही बोला क्या स्टम? ओके अगला नंबर किसका है? यस किरण, √5 × √2 √10, साइन भी बताओ प्लस का है माइनस प्लस का, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो आंसर भी प्लस का √10। यस अंशिका नहीं कनिष्का, अंशिका तो और बैठे, दोनों के एंड में का लगा हुआ है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन सर, अभी सीख जाऊंगा मैं धीरे धीरे। √5 × √2 √10। ओके नाउ अब आप बताओ कनिष्का, √2 × √5 माइनस का प्लस का? मुझसे पूछ रहे बता रहे हो सर माइनस बताओ कॉन्फिडेंस से बोलो सर, माइनस या प्लस? माइनस का, तो देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का जब प्लस से गुणा होगा तो भी माइनस का आंसर आएगा, प्लस का जब माइनस से गुणा होगा तो भी माइनस का आंसर आएगा, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, -√10। ये बचपन में आपको टीचर्स ने सिखा दिया होगा, थैंक्स टू देम। -√2 × -√2, यस मितांशी -√4, प्लस माइनस माइनस और 2 2 4 डन। आगे देखो क्या हुआ, √25 सब जानते हैं 5 होता है, √4 सब जानते हैं 2 होता है, लेकिन यहाँ पे √10 और -√10 सेम टर्म्स हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर जीरो बन जाएंगी, जीरो बन जाएंगी, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, इस -2 को बस इसके बगल में बैठाओ, 5 - 2 अगेन द आंसर इज 3। तो दोनों अप्रोचेस से हमारा आंसर 3 आ चुका है, चारों क्वेश्चन को दोनों अप्रोचेस से हमने तीन को, पहला तो एक ही अप्रोच से हो सकता था फ्री स्टाइल से ही, बाकी तीन क्वेश्चंस को विद आइडेंटिटी एंड विद फ्री स्टाइल दोनों से हमने कर लिया। ठीक है चल सकते हैं अब हम आगे, चलो हो गया नोट डाउन, टाइम हो गया अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, 6 बजे तो आए भी तो 6:15 बजे थे, कोई 5 5 बजे तो एक भी बच्चा नहीं आया था, खाली था मैदान, चेक करके गया हूं मैं, कोचिंग खोल के गया हूं जब, उसके बाद कोई 5 5 पे पधार रहे हैं, कोई 5:10 पे, कोई 5:15 पे, चलो कर दो डिलीट। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3 तो बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है, केवल थ्योरेटिकल है, लिख दो, बता देता हूँ उसका क्या सॉल्यूशन लिखेंगे, कभी भी एग्जाम में नहीं आते ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन, एक फॉर्मेलिटी तौर पे इसका आंसर लिख दो, नहीं छोड़ना कुछ नहीं, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसीलिए तो कोचिंग आए हैं कि जो स्कूल में छूट जाता है वो कवर करें, स्कूल में भी तो कहते हैं छोड़ दो आगे चलो, छोड़ दो आगे चलो, अब यहाँ पर भी वो करें तो फिर फायदा नहीं हुआ ना, फिर आपको एक्स्ट्रा क्या मिला यहाँ पे। ठीक है ओके, रिकॉल रिकॉल करवा रहा है ये, यानी याद दिलवा रहा है, फ्लैशबैक में जाओ याद करूं, क्या याद करवा रहा है पढ़ते हैं एक बार, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर, पाई एक रेशियो है, पाई क्या है एक रेशियो है, किसका किससे, सर्कमफेरेंस का डायमीटर से, एक सर्किल की सर्कमफेरेंस का एक सर्किल की डायमीटर से रेशियो है, पर ऐसा तो किसी ने पढ़ा, इनका रिकॉल कैसे करवा रहे हैं, पढ़ाया था हमने ध्यान नहीं दिया होगा, देखो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr सब जानते हैं, इसका रेशियो करना है किससे, डायमीटर से, डायमीटर क्या होता है रेडियस का दुगना यानी 2r सब जानते हैं, सो देखो 2 से 2 खत्म, r से r खत्म, मिल गया ना पाई मिल गया, सो कोई भी पूछे पाई क्या है तो उसको ये बात याद दिला सकते हैं, पाई क्या है सरकमफ्रेंस का डायमीटर से रेशियो है, सरकमफ्रेंस का डायमीटर से रेशियो है। आगे सुनते हैं हम, ये बात तो यही बता रहा है, सवाल क्या है सवाल सुन ले, सवाल ये है कि पाई इक्वल टू सी बाय डी लिख सकते हैं, मतलब वही सी तो सरकमफ्रेंस और डी डायमीटर लिख सकते हैं, आगे पढ़ो, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, लेकिन अगर हम पाई को सी बाय डी लिख सकते हैं तो समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म बन गई, और समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म तो रैशनल की बनती है, समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म किसकी बनती है, रैशनल क्वांटिटी की बनती है, तो हम सी बाय डी की शक्ल से इसको देखें तो ये रैशनल है, अगर हम उस शक्ल से उसको देखें तो ये रैशनल है, जबकि सर ने तो पढ़ाया कि वो इरेशनल है, पाई को इरेशनल क्वांटिटी में डाला था ना हमने, तो फिर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है अपनी बात का ही खुद ही विरोध कर दे आदमी, पहले जो कह रहा था बाद में उसी बात के लिए मना, ठीक है ना, मुकर जाए नट जाए, नट गया अपनी बात पे मुकर गया, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये तो इस फैक्ट का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि पाई इरेशनल है, हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे देखते हैं और कैसे इसका रिजोल्यूशन देंगे, कैसे इसको समझाएंगे भाई ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों, सवाल समझ में आ गया, सवाल है पाई इरेशनल हमने सीखा है, लेकिन पाई की डेफिनेशन देखें तो सी बाई डी एक रैशनल क्वांटिटी है, तो फिर डेफिनेशन वो बाई डेफिनेशन वो रैशनल क्वांटिटी है, और पाई अगर याद किया जाए जो याद करवाया गया था फैक्ट बताया जाए तो फैक्ट के हिसाब से वो इरेशनल क्वांटिटी है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आया, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन ऐसे आया
कि जब अपन टू पाई आर यूज करते हैं तो वहां पे पाई की वैल्यू एक रेशनल क्वांटिटी की तरह ली जाती है, जिसकी वैल्यू होती है 22/, जबकि पाई की वैल्यू 22/7 होती ही नहीं। अब तो मे बी गो का टाइम हो गया, अब तो अगले शो का टाइम हो गया, आप कल की क्लास के लिए बहुत जल्दी आ गए, बैठो आओ। कैसे लेट हो गए? यस, तो दिस इज द प्रॉब्लम। बैठो बैठो बैठो। तो ये प्रूफ है, आई काम आपके साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो अकेली है ना। तो इसलिए हमेशा संडे के दिन आप ग्रुप चेक करें। और दूसरा, संडे के दिन टाइम चेंज होने के चांसेस होते हैं ना, तो सुबह को एक बार ग्रुप चेक कर लें, सैटरडे को चेक कर लें, है ना। दूसरी चीज, घर से निकलने से पहले तो हमेशा ग्रुप को चेक करें, एवरी डे, ईच एंड एवरी डे आप 10-15 मिनट पहले ग्रुप को चेक करें कि आज कुछ मैसेज तो नहीं आया, कोई टाइम में चेंजेस तो नहीं है। अब अगर आप घर से निकलते टाइम भी चेक कर लेते तो आप अभी आते ही नहीं, क्योंकि उसमें डला हुआ है, नहीं डला हुआ तो आज नहीं डला। तो ग्रुप चेक किया था आपने, तो उसमें डिस्कशन चल रहा था, तो डिस्कशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया कि क्या टाइम रखें क्या नहीं रखें। ओके, चलो मैं मानता हूं आज को मेरी गलती है, एंड वी आर सॉरी फॉर दैट, फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू, पर नेक्स्ट टाइम से थोड़ी सी जिम्मेदारी आपको भी समझनी है। अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको सबको पार्टिसिपेट करना है कि सर आज का टाइम क्या है, फाइनल टाइम क्या है। ओके okay? चलो, तो अब इसका इसका रिजोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे? लिखो हेयर, हेयर किसी को लेने आए, किसको लेने आए बेटा? नमस्कार। अच्छा, वो बच्चे को लेके आए थे। 5-10 मिनट लगेगी थोड़ा सा। ये कौन सी क्लास में? 10 मिनट। 10th में कल आपने बात करी थी। हाँ 5-10 मिनट में फ्री करके आता हूँ ना, बच्चों को फ्री करके आता हूँ। हाँ जी, हेयर। हाँ बैठ जाओ, ये ले लो। नो ये लेके यस yes. देखो यहाँ पे हम कैसे इसको रिजोल्व करेंगे, हम क्या लिखेंगे? हेयर वी नो दैट पाई इज इरेशनल, वी नो दैट पाई इज इरेशनल, हम सब जानते हैं कि पाई एक इरेशनल क्वांटिटी है, शुरू से हमने ये सीखा रैशनल इरेशनल नंबर्स में। बट व्हेन वी कंसीडर द वैल्यू ऑफ पाई, व्हेन वी कंसीडर द वैल्यू ऑफ पाई इन द सरकमफ्रेंस, इन द सरकमफ्रेंस, जब सरकमफ्रेंस के अंदर पाई की वैल्यू हम सोचते हैं, किसके अंदर? सरकमफ्रेंस के अंदर जब अपन पाई की वैल्यू सोचते हैं, सरकमफ्रेंस यानी सी, सी के अंदर जब अपन पाई की वैल्यू सोचते हैं तो वो वैल्यू किसके इक्वल होती है? 22/7, विच इज रैशनल। तो सरकमफ्रेंस के केस में पाई रैशनल है, अदरवाइज वो इरेशनल है। तो ये हो गया ना कॉन्ट्राडिक्शन का रिजोल्यूशन, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? व्हेन वी कंसीडर द वैल्यू ऑफ पाई इन द सरकमफ्रेंस, इट इज इक्वल टू 22/7 विच इज रैशनल, इट इज इक्वल टू 22/7 विच इज रैश, ठीक है। तो केवल सरकमफ्रेंस के अंदर वो रैशनल है, अदरवाइज अदरवाइज पाई इज इरेशनल, बस खत्म। इससे ज्यादा आपने को एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चन है, एनालिटिकल आंसर देना है, कुछ कैलकुलेट तो करना नहीं आपको। नोटबुक्स बंद करने के लिए मैंने कतई नहीं कहा, वो अंकल को बोला 10 मिनट, तो 10 मिनट कुछ करवाऊंगा। हाँ जी, कर दूं डिलीट, डिलीट कर दूं जल्दी। नोट इट डाउन, 4-2 लाइनें लिख देना अगर आ जाता है इनकेस एग्जाम में। वैसे तो देखो ये एग्जाम मटेरियल क्वेश्चन नहीं है, बट स्कूल लेवल का कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी दे दें तो दे दें, तो ये सॉल्यूशंस आप लिख देंगे, एक्सप्लेनेशन लिख देंगे, ठीक है।
ओके चलते हैं, अब तो लिख गया होगा, अब तो लिख दिया। तो लिख ही दिया होगा, जल्दी करो। ओके उसमें से देख लो, उसने कर लिया, मैं समझ गया आपकी स्ट्रेटेजी। ओके आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, 4 तो हम कर चुके हैं। ओके 5 का इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, क्या है पढ़ो ध्यान से। अब अगर मैं कहूँ ना, तो इस एक्सरसाइज में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही 5 है। इम्पोर्टेंट का इन द सेंस कि आगे काम में आने वाली चीज, आगे मैथ्स में काम आने वाली चीज या नई चीज जो हम सीखने वाले हैं वो है रैशनलाइज करना। सबसे पहले तो आप ये देखो रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ रैशनलाइज। मीनिंग ऑफ रैशनलाइज का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इरेशनल टू रैशनल। किसी नंबर को इरेशनल से रैशनल क्वांटिटी में तब्दील करना या ट्रांसफॉर्म करने को कहते हैं रैशनलाइज करना। ठीक है, रैशनल इसके अंदर देखो रैशनल छुपा हुआ है, रैशनल बना देना। इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, रैशनल यानी इरेशनल बना देना। अब रैशनल किसको बनाओगे, जो पहले इरेशनल है। रैशनल किसको बनाओगे, जो पहले रैशनल को रैशनल क्या बनाओगे, समझ गया ना, जो इरेशनल है उसी को तो रैशनल बनाओगे। तो यानी कि इरेशनल को रैशनल बना देना, मीनिंग समझ में आ गया। अब वो काम कैसे करें, तो पहले सबसे पहले तो आप ये चीज समझो कि देखो 1/√7 एक इरेशनल नंबर है, बोलो है। तो इसमें आप कुछ भी कर दो, इसको आप एज ए नंबर तो आप इसको रैशनल नहीं बना सकते, ये हमेशा इरेशनल ही रहेगा। हाँ, पर इसमें जो इरेशनल क्वांटिटी जहां दिख रही है उस पार्ट को रैशनल जरूर बना सकते, लेकिन ओवरऑल नंबर तो इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, इस पार्ट को इरेशनल से रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हो। जब आप ऐसा करेंगे तो ऊपर वाली क्वांटिटी एक रैशनल क्वांटिटी है, नीचे वाली, जल्दी बैठो, नीचे वाली क्वांटिटी एक इरेशनल क्वांटिटी है। हाँ जल्दी बैठो, ऊपर वाली क्वांटिटी एक रैशनल क्वांटिटी है, नीचे वाली क्वांटिटी बातें नहीं, ऊपर वाली क्वांटिटी एक इरेशनल क्वांटिटी है, इरेशनल क्वांटिटी है, नीचे वाली क्वांटिटी एक इरेशनल क्वांटिटी है। और सवाल क्या है, सवाल पढ़ के बताओ। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी हर एक सवाल में डिनोमिनेटर इरेशनल फॉर्म में है, इरेशनल फॉर्म में है, इरेशनल फॉर्म में है, इरेशनल फॉर्म में, डिनोमिनेटर इरेशनल फॉर्म में है, आपको इसको रैशनलाइज करके रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पता है क्या होगा, जो ऊपर वाली क्वांटिटी हर हाल में रैशनल रखी हुई है वो इरेशनल बन जाएगी, भाई नीचे वाली इरेशनल से रैशनल होगी तो ऊपर वाली रैशनल से इरेशनल हो जाएगी। तो फिर तब भी तो ओवरऑल नंबर इरेशनल ही रहेगा, क्योंकि दोनों में से एक भी इरेशनल हुआ। सीखा था ना हमने, एक भी गंदी मछली है तो पूरा तालाब गंदा है। तो अभी गंदी मछली डिनोमिनेटर में बैठी है, वो उठ के न्यूमिनेटर में बैठ जाएगी, तो भी ओवरऑल नंबर तो इरेशनल ही रहेगा। तो कभी भी कोई आपको कहे ना कि इस नंबर को रैशनलाइज करो, तो उसका सवाल ही गलत है। नंबर कभी भी इरेशनल से रैशनल नहीं बन सकता, अगर इरेशनल है तो इरेशनल ही रहेगा। उस नंबर का कोई पार्ट रैशनलाइज किया जा सकता है, जैसे डिनोमिनेटर, जैसे न्यूमिनेटर, समझ गए। अभी तो इसने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए कहा है, लेकिन एग्जाम में न्यूमिनेटर को भी रैशनलाइज करने के लिए कहा जा सकता है। केवल नंबर का कोई पार्ट ही रैशनलाइज किया जा सकता है, पूरा नंबर रैशनलाइज नहीं किया जा सकता। पूरा नंबर रैशनलाइज करने का मतलब है पूरे नंबर को रैशनल बना दो। अरे भाई ऐसे कैसे बना दे, नंबर इरेशनल है तो रैशनल कैसे बना दे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। समझ गए, अब ये तो हो गया करना क्या है, अब करें कैसे, करना कैसे है। तो देखो जब भी हमारे सामने ऐसा सवाल आएगा, रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को, तो उसके दो तरीके हैं, ये है मोनोमियल, ये है बाइनोमियल, ये है बाइनोमियल और ये भी है बाइनोमियल। ओके, तो मोनोमियल का डिफरेंट तरीका है और बाइनोमियल का डिफरेंट तरीका है, ट्राइनोमियल का डिफरेंट तरीका होता है, ट्राइनोमियल हमारे कोर्स में नहीं है, यानी कि हमको या तो मोनोमियल मिलेगा या बाइनोमियल मिलेगा। मोनोमियल का तो बहुत आसान तरीका है, बाइनोमियल का हल्का सा एक स्टेप एक्स्ट्रा वाला तरीका है। ओके, तो पहले मोनोमियल का तरीका बता दूं। मोनोमियल का तरीका यह है कि यहां पे जो नंबर लिखा हुआ है ना, डिनोमिनेटर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा दो। करा दिया, रुको समझ गया आपका संशय विंशय जो भी है, इसको सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा दो। अब डिनोमिनेटर को आपने √7 से मल्टीप्लाई कराया, तो जो न्यूमरेटर वो कहेगा मैं क्या बारात में आया हूं, मुझे भी करवाओ।
क्योंकि एक फ्रैक्शन में जो काम आप डिनोमिनेटर के साथ करोगे वो न्यूमरेटर के साथ भी करना पड़ेगा, जो न्यूमरेटर से करोगे वो डिनोमिनेटर के साथ भी करना पड़ेगा, तो आप उसको भी करवा दो, तू भी दुखी मत हो। और अब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 into √7, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई कराओ सेम आंसर आएगा। और नीचे में देखो √7 into √7, रूट से रूट कट के 7 बन जाएगा। अच्छा ऐसे नहीं समझ में आया तो जैसे अभी कर रहे थे वैसे करो, 7 7 जा 49, और √49 7 ही होता है, तो चाहो तो √49 लिखकर फिर 7 लिखो या डायरेक्टली 7 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैंने इसको 7 लिखा तो चेक करो ये इरेशनल से रैशनल बन गया, पर ऊपर वाला रैशनल से इरेशनल भी बन चुका है, तो ओवरऑल नंबर आज भी इरेशनल है पर डिनोमिनेटर रैशनल बन चुका है, ये इसका आंसर है। अब कई बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर हमको स्कूल में ऐसे सिखाया माइनस से मल्टीप्लाई करो, राइट? तो माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी वही सेम आंसर आएगा। देखो माइनस माइनस, अगले स्टेप में तो ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाना है, तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि माइनस से मल्टीप्लाई कराओ मोनोमियल के केस में। बाइनोमियल का क्या रूल है अभी डिफरेंट है वो बताऊंगा, मोनोमियल में कुछ मत करो, जो भी रैशनल नंबर है उसी से मल्टीप्लाई करा दो, ऐसा नहीं है कि माइनस से कराओ या प्लस से कराओ, प्लस का उस प्लस है तो भी प्लस से कराओ और माइनस है तो भी प्लस से कराओ। समझ गए? क्लियर? तो अब इसको थोड़ा क्लियर लिख देते हैं। यहाँ पे आपने ये नंबर लिखा में, everyone has noted down the number 1/√7. अब हम क्या लिखेंगे? एक स्टेप लिखेंगे। Now, rationalizing the denominator, rationalizing the denominator. बातें नहीं प्लीज। We get. आदित्य आप लिखो, लिखना शुरू करो। अभी बताते हैं आपके साथ क्या हुआ। Rationalizing the denominator, we get. अब अपन नंबर एक बार फिर से लिख देते हैं 1/√7, और अब अगली स्टेप में अपन न्यूमरेटर को भी √7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी √7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद अपन लिख देते हैं 1 into √7 यानी √7, और √7 into √7 अभी सॉल्व करके बताया था 7, तो ये इसका आंसर हो गया। ये इसका आंसर हो गया। हो गया आंसर, सबका नोट डाउन हो गया, कोई डाउट नहीं है इस मोनोमियल के केस में, तो वो जो नंबर है उसी से गुणा करा दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं पूछना, ओके ना? अच्छा ऐसे मत कर देना गुणा कराने के बाद सर मैंने √7 से √7 काट दिया, तो काट दिया तो वापस वही नंबर मिल जाएगा, काटना नहीं है गुणा कराना है, न्यूमरेटर को भी गुणा कराना है और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करा, ठीक है? चलो अब बाइनोमियल का रूल सुनो, मोनोमियल क्लियर सबको, बाइनोमियल दो ही चीज सीखनी है, मोनोमियल को कैसे करना है, बाइनोमियल, मोनोमियल का रूल सबको समझ में आ गया, बस जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर। बाइनोमियल में हमको गिवन नंबर के मल्टीप्लाई तो उसमें भी कराना है, लेकिन गिवन नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराना है। क्या कहा मैंने? गिवन नंबर के कॉन्जुगेट, एक वर्ड आता है कॉन्जुगेट, इसका मतलब क्या होता है सुनो, ये बाइनोमियल के साथ ही चल सकता है, जैसे ए प्लस बी टाइप का कोई बाइनोमियल है तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा ए माइनस बी, क्या हो जाएगा? यानी जो पहला नंबर है उसको तो छेड़ो ही मत और दूसरे नंबर का साइन अपोजिट कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दैट्स इट, बस ये होता है कॉन्जुगेट, ये होता है कॉन्जुगेट, समझ गए? मुझे बताओ ए माइनस बी का कॉन्जुगेट क्या होगा, टेल मी, ए प्लस बी, अच्छा मुझे बताओ माइनस ए प्लस बी का कॉन्जुगेट क्या होगा, पहले वाले को तो छेड़ना ही नहीं है, माइनस ए और प्लस की जगह माइनस, और मुझे बताओ माइनस ए माइनस बी का कॉन्जुगेट क्या होगा, बस समझ गए आप, समझ गए? तो बाइनोमियल के केस में हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा देंगे, करा सकते हैं ना कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, तो बस लिखो सेकंड क्वेश्चन, 1/√7 - √6, दिस इज द गिवन क्वेश्चन, स्टेप लिखो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, वी गेट rationalizing the denominator, we get given number, note down करो, बोलो आयुषी, √7 - √6 है number binomial, तो इसको इसी के conjugate से multiply कराएंगे, तो इसका conjugate क्या होगा, नहीं वन को तो छोड़ो, conjugate तो ये होगा ना, तो conjugate तो इसका चाहिए मुझे, जो irrational quantity है उसी का conjugate चाहिए, तो √7 - √6 का conjugate क्या होगा, √7 + 6, यानी ऊपर नीचे मुझे किससे मल्टीप्लाई कराना है, √7 + √6 से कराना है, तो ऊपर नीचे मुझे मल्टीप्लाई कराना
है तो पहले तो जो नंबर है वो लिख दो, 1 into, और नीचे क्या नंबर है, √7 - √6, और अब ऊपर और नीचे दोनों को इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराओ। सो इसका कॉन्जुगेट बनेगा √7 + √6, और नीचे में भी √7 + √6। ये चीज समझ में आई क्या? ओके ये चीज समझ में आई। देखो इतना पार्ट तो सेम है क्वेश्चन का, इतना पार्ट तो सेम है, अब बस आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा रहे हो। किससे कराऊं? जो रेस्ट इरेशनल क्वांटिटी है जिसको रेस्टलाइज करना चाहते हो उसके कॉन्जुगेट से। तो √7 - √6 का कॉन्जुगेट क्या होता है? √7 + √6 होता है। ऐसा करने से क्या होगा, देखो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई कराओ तो सेम क्वांटिटी मिलती है, तो √7 + √6 यानी √7 + √6 ही मिलेगी, सेम मिलेगी। और डिनोमिनेटर में हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a - b * a + b, क्या होता है, a² - पर रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर नहीं लगाते, तो 7, वैसे तो हम ये लिखते हैं 7² - 6² a² - b², वैसे तो हम ये लिखते हैं, पर 7 के ऊपर भी रूट है और 6 के ऊपर भी रूट है, और शास्त्रों में लिखा गया है कि जब रूट लगा हुआ हो तो स्क्वायर नहीं लगाते, सीखा है ना हमने लास्ट क्लास में। तो 7² - 6² नहीं करेंगे, 7 - 6 करेंगे, और 7 - 6 सब जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, 1। 7 - 6 क्या होता है, 1, और 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो यू विल गेट द सेम नंबर, जैसे 5 by 1 5, 6 by 1 6, 7 by 1 7, तो √7 + √6 / √7 + √6, दिस इज अवर आंसर। तो देखो जो नीचे डिनोमिनेटर था वो रैशनल हो गया है, हो गया ना, इरेशनल से क्या हो गया, वो रैशनल, पर ऐसा करने से न्यूमरेटर इरेशनल हो गया, यानी न्यूमरेटर ने कुर्बानी दे दी कि तू रैशनल बन जा, मैं तेरी जगह इरेशनल बन जाता हूं, ओवरऑल नंबर आज भी इरेशनल है, समझ गए? ओके समझे कि नहीं समझे बोलो, आंसर भी मैच कर लेना, आंसर की से मैच हो गया, हो गया, सब सोच रहे हैं अब तो छोड़ दो। थर्ड वाला होमवर्क है, लेट्स टेक द लास्ट वन, थर्ड वाले को होमवर्क मत करो, हो जाएगा होमवर्क, एंड लेट्स टेक द लास्ट वन। हाँ जी, 1 / √7 - 2, बता भाई आगम, √7 - 2 बाइनोमियल है या मोनोमियल है? बाइनोमियल, तो बाइनोमियल का केस के रूल्स क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट से गुणा करना है, तो √7 - 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, पहले तो बस ये बता दो, √7 - 2 का क्या, √7 + 2 होगा, तो बस ऊपर नीचे इस क्वांटिटी से गुणा करा दो और मजे में रहो, मजे में ही हूं मैं तो ना, ये कह रहा है। ओके सो 1 / √7 - 2 इज द नंबर, तो पहले तो जो नंबर है एज इट इज लिखना है, और ब्रैकेट लगा देना है क्योंकि बाइनोमियल का केस है, तो ब्रैकेट लगा दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कराओ ऊपर नीचे इसी के कॉन्जुगेट से, तो √7 - 2 का कॉन्जुगेट आगम ने बताया √7 + 2 होता है, सही बताया क्या, तो नीचे भी हम भी फिर हम वही लिखेंगे √7 + 2, करना शुरू करें हम मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर में तो सेम क्वांटिटी आ जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करने में देर विल बी नो चेंज, √7 + 2 का √7 + 2, और नीचे में आ जाए, ये गलत लिख दिया, पूरा ही रूट लगा दिया मैंने, तो 7 पे रूट है ऑनली। हाँ नीचे में क्या होगा, वही a - b * a + b, तो बाइनोमियल के केस में हमेशा यही होगा a - b * a + b, क्यों, क्योंकि अगर नंबर a - b की फॉर्म में होगा तो मैं a + b से कराऊं, और नंबर a + b की फॉर्म में होगा तो मैं a - b से कराऊंगा, कॉन्जुगेट से कराऊंगा तो उल्टे से कराऊंगा, तो ये तो फिक्स हो गया कि बाइनोमियल में केस, बाइनोमियल के केस में a² - b² तो बनेगा ही बनेगा, बस ये चेक कर लेना रूट तो नहीं है, जिस पर रूट है उसके ऊपर स्क्वायर भी नहीं लगेगा, जिस पर नहीं है उस पर लगेगा। तो अब देखो 7 पे रूट है तो उस पर तो स्क्वायर नहीं लगेगा, उस पर तो स्क्वायर नहीं लगेगा, लेकिन 2 पे रूट नहीं है तो 2 पे स्क्वायर लगेगा, किसी बात याद रखनी, जिस पर रूट है उस पर स्क्वायर नहीं लगाते, ठीक है। 7 पे रूट है ना, चेक करो, तो उस पर स्क्वायर नहीं लगाया मैंने, 2 पे रूट नहीं है ना तो उस पर स्क्वायर लगा दिया। ओके सो इसको सॉल्व कर दो, तो √7 + 2 तो एज इट इज, 7 - 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, एंड व्हाट इज 7 - 4, 3, आंसर। आप चेक कर सकते हो कि जो नीचे, अरे रूट थ्री लिख दिया फिर मैंने, नीचे वाली जो क्वांटिटी है वो इरेशनल से रैशनल बन चुकी है, पर इस चक्कर में न्यूमरेटर ने कुर्बानी दे दी, वो इरेशनल बन गई, बनने दो, हमारा तो इंस्ट्रक्शंस ये थे कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, कर दिया, न्यूमरेटर के साथ क्या होगा हमको बताया नहीं था,
और होगा ही होगा, वो तो इरेशनल तो करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। सो आंसर मैच कर लिया सबने, ओवर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ओवर हो गई, एक लास्ट एक्सरसाइज है छोटी सी, उसको हम कल खत्म कर देंगे एंड चैप्टर हमारा मोस्ट प्रोबेबली कल खत्म हो जाएगा। ओके ओवर कर दें क्लास, थैंक यू सो मच फॉर, एक क्वेश्चन होमवर्क है वो करके आना, ये रैशनलाइज करने वाला है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय, यू कैन एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर संडे।